सब जन आनंद में है, आई होप सब जन आनंद में है। किसी किसी के दिल में आज भी थोड़ा सा, अभी भी थोड़ा थोड़ा भय है। इसके पहले अभी वचन भैया ने पढ़ा था, भयभीत ना हो। ईश्वर ने सबके लिए ब्लेसिंग किया है, तुम डर के वहाँ पे बैठे हो, उसके सामने तुम्हें कहना है, उसके बारे में कहना है, जितना हम कहेंगे उतना वो आशीष देगा। मैंने हॉस्टल में जब बोर्डिंग में लड़कों को क्लास लेता हूँ, जनरल क्लास लेता हूँ, तो बोलता हूँ, बताता हूँ उनको, तो बाद में वो जब रिप्लाई करने का वक्त आता है, जब समझने का, उन क्या समझे, जब उनको पूछता हो तो वो भयभीत हो जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, समझ में तो सबको आया पर बताने के लिए तकलीफ हो गई है। आज भी यहाँ पे बैठे सब जन आनंद में तो है, बस आनंद को बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर गए, उस आनंद को सबके सामने बताने की कोशिश नहीं कर गए। मैं यहाँ पे जब आया था मैं भी दुखी था, मेरे भी लाइफ में, मेरे भी फैमिली में परेशानी थी, हम लोग बहुत परेशानी में थे। हम यहाँ पे जब आए पूरे तन मन धन से, इस बार मैं सोच रहा था मैं हमेशा आता हूँ, और हमेशा जब आता हूँ, चाहे सैटरडे को आऊँ, किसी भी वक्त आऊँ, हमेशा मैं ईश्वर का अनुभव करके जाता हूँ, क्योंकि मैं एक प्यासे हिरण की तरह आता हूँ यहाँ पे, मन ही मन विलाप करते हुए आता हूँ, फिर वो ये काम मेरा बाकी है, मैं कब करूँगा, कब होगा मेरा। यहाँ पे जब मैं रोते रोते आता हूँ, जाते समय हमेशा आनंद पा के जाता हूँ, हमेशा आशीष पा के जाता हूँ, और जाने के बाद घर में बताता हूँ घर में सबको कि मैंने ये पाया है, मेरा ये हो गया है। हम जब विश्वास के साथ आते हैं, जब उसको पाते हैं, तो लोगों को बताना है। यहाँ पे जब ब्रदर ने इतने क्लासेस लिए, वो हमारे हमारे जीवन को छू के गए हैं, हमारे आत्मा को छू के गए हैं, वो हमें एक नवीनीकरण करने का एक मौका दिया है, और वो नवीनीकरण हमारे जीवन में आज हुआ है, सबके जीवन में हुआ है। जो व्यक्ति नहीं बोल पाता था यहाँ पे, जो व्यक्ति बता भी नहीं पाता था, मैं हमेशा मैं जहाँ भी जाता हूँ हर चीज़ को बड़ा नोटिस करता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वर्कशॉप पे काम किया है। एक वर्कशॉप में काम करते समय हमें हर एक चीज़ों को बड़े बारीकाई से देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ वहाँ कुछ भी हो जाए तो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ दुख तकलीफ हो जाएगी या किसी को चोट लग जाएगी। ये सोच समझ के हम बड़े बारीकाई से काम करते, बड़े बारीकाई से हर चीज़ को देखते। तो मेरा ये आज एक्सपीरियंस, ये चीज़ मेरे जीवन में हमेशा रहती है, जहाँ पे मैं जाता हूँ हर चीज़ को मैं नोटिस करता हूँ, हर बातों को मैं नोटिस करता हूँ। जब मैं वहाँ पे बैठता हूँ, वहाँ के लोगों का क्या बोलते हैं व्यवहार देखता हूँ, सब देखता हूँ, उनके सब बातों को देखने के बाद मेरे को लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे चाहिए था, वो व्यक्ति वैसा नहीं चाहिए था, ये मेरा सोच रहता है। आज मैं जब यहाँ पे आया, हर के जीवन को देखा, नहीं ये तो बहुत पुराना है, ये तो ये जो कर रहे है ये बहुत पुराना है, इसका विश्वास मर गया है। अभी मैं यहाँ पे रहने के बाद मैं जब तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ मैं बड़ा आनंद फील करता हूँ, हर के जीवन में ईश्वर का एक नवीनीकरण हो चुका है। और मैं यहाँ आने के बाद और एक पर्सनली एक चंगाई भी हुई फैमिली में मेरे, वो मैं अनुभव करता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और प्रदीप जी के सभी क्लासेस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और उस क्लासेस को मैं अपने जीवन में जो अनुभव किया हूँ उसके लिए मैं लोगों के तक, चाहे प्रवचन की घोषणा करना, ईश्वर के शब्द की घोषणा करना, या लोगों को सिखाना, अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को सिखा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैं भगवान की इच्छा हो तो मैं लोगों तक ईश्वर का सुसमाचार दे सकूँ, ये मेरी इच्छा है, और ईश्वर चाहे तो मुझे आगे बढ़ाए, इसलिए सबके लिए धन्यवाद।